बरेली में कुमारटा के जिला अस्पताल रोड पर बैंडेज जोन बनाने और पंजीकृत स्टेट वेंडरों को स्मार्ट आईडी या अनुमति लिखित रूप में प्रदान किया जाए, जिससे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण टीम आने पर अचानक हटाना ना पड़े। जनता ठेला पटरी सेवा समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद तकी अहमद है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि हमारे देश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम स्ट्रीट वेंडरों को स्वनिधि योजना के अंदर सक्षम बनाया और हमें लोन प्रदान किया। इसके लिए मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर उनका शुक्रगुजार रहूंगा। और दूसरी बात, उन्होंने श्यामगंज पुल को और उन्होंने श्यामगंज पुल को पेपर कोई बात नहीं, श्यामगंज पुल को बनाया, बदायूं ओवर ब्रिज को बनाया और किला ओवर ब्रिज को बनाया है, ठीक है। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा जो कुतुबखाने का फ्लाई ओवर है जिसका महादेव नाम रखा गया है आदरणीय जो हमारे महापौर जी हैं उन्होंने, तो उसको जो है उसके नीचे भी फ्लाई ओवर के नीचे पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाए। और अगर वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा रहा है तो हमें अस्थायी रूप से परमिशन दी जाए, ताकि जब अतिक्रमण टीम आती है नगर निगम की तो हम उन्हें दिखाकर अपना उससे बच सके। दूसरी बात, हम जो पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर हैं आज एडीएम साहब से मिले और उन्हें हमने दिया है कि हमारा स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमें डिस्प्ले प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जो कि हमारा सम्मान है और हमारा अधिकार है, ठीक है। उसको जब हम अपने ठेले पर लगाते हैं तो अतिक्रमण टीम उसे टच नहीं करेगी, क्योंकि हम रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर हैं, हमारा पीएमएस नंबर है। तो लिहाजा गवर्नमेंट हमारी मांगों को, हमें उम्मीद है कि आदरणीय योगी जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि उनकी ही योजना है, उनके ही तहत हम रजिस्टर्ड हैं, तो इसे वेंडिंग जोन बनाएंगे। और पहली बात, दूसरी बात, हमारी एक पुरजोर अपील है नगर निगम और डूडा से कि नए रजिस्ट्रेशनों को बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि जो पुराने स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हीं के कार्य करने के लिए पहले जगह प्रदान कर दी जाए, ठीक है, और पुरानी रसीदों को ही रिन्यूअल किया जाए। और हम इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी के तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे कि हमें सबसे पहले स्वनिधि योजना का जो है मतलब वोट प्रदान किया जाए, ताकि हम एक सम्मान का जीवन जी सके, जी रहे हैं। इसके लिए मैं अपने ठेला जनता रेड़ा पटरी की तरफ से आदरणीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, पीओ डूडा साहब का शुक्रगुजार रहूंगा, एडीएम साहब का शुक्रगुजार रहूंगा, महापौर साहब का शुक्रगुजार रहूंगा, हमारे जो नगर आयुक्त हैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि इन सब ने हमारी बातों को सुना है, हमारी बातों को समझा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे और वेंडिंग जोन बनाएंगे और आपको जगह देंगे। जय हिंद, जय भारत।